मैं आपके माध्यम से बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 30 मार्च 2017 को अभी गुरुवार के दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्यों के सांसद को की बैठक बुलाई थी। मैं पूरे समय बैठक में उपस्थित था। सांसद ने मोदी जी के ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए धन्यवाद दिया और केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक के कैसे पहुंचाए उस पर चर्चा हुई, लेकिन महाराष्ट्र के धनगर आरक्षण के बारे में कोई मुद्दा उठाया गया नहीं था और उस पर कोई बहस भी हुई नहीं थी। लेकिन इस मीटिंग के तुरंत बाद मीडिया में प्रधानमंत्री जी का महाराष्ट्र के धनगर आरक्षण को नकार, उनका धनगर आरक्षण के लिए नहीं बोला है, ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई। यह माध्यम सभी माध्यमों से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से। इससे महाराष्ट्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा जो धनगर कम्युनिटी है उनके मन में जहर फैलाया गया और जो बात हुई नहीं उसके बारे में और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बदनामी हुई है। लॉ ऑर्डर सिचुएशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम महाराष्ट्र में इसकी वजह से हुआ। पहले ही धनगर धनगर, पहले की सरकार जो महाराष्ट्र में थी उन्होंने धनगर धनगर एक नहीं है ऐसे कागजात केंद्र को भेजे थे और इसलिए अभी नए से धनगर धनगर एक है ऐसा सिफारिश जो स्टेट गवर्नमेंट से होनी है वह अभी सिर्फ सिफारिश नहीं हो सकती है, तो उसके साथ में नया संशोधन करना पड़ेगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत सकारात्मक है और उन्होंने इसमें सकारात्मक तरीके से धनगर को आरक्षण के लिए टीस का उपयोग किया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये खबरें जिन्होंने गलत फैलाई है और धनगरों के मन में जो विष जहर फैलाया है उसके लिए सख्त कार्रवाई हो और उसकी जांच करके उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। यह मेरा थैंक यू।